चलिए आपको लेके चलते हैं नेपाल काठमांडू में। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे आप इंडिया से काठमांडू बाय रोड पहुंच सकते हैं। अब काठमांडू में हम लोग जाएंगे फेमस पशुपतिनाथ टेंपल, बुद्धनाथ स्तूपा, काठमांडू दरबार स्क्वायर, जिंदा दैवी शक्ति माने जाने वाली कुमारी के महल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भक्तापुर में, काठमांडू के नाइट लाइफ स्पॉट थमेल में, और साथ ही नेपाल का खान पान, नेवाड़ी कल्चर और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो दोस्तों, और ट्रिप्स की तरह ये ट्रिप की भी शुरुआत कर दी है मैंने यहाँ पे अपने डॉर्मेट्री में पहुँच के। एंड जैसे कि आपको पता है कि जब मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ तो मैं डॉर्मेट्रीज में रहना प्रेफर करता हूँ। एंड अपने हॉस्टल में पहुँच चुका हूँ। हॉस्टल में डॉर्मेट्री कुछ इस तरह की है, देखो कितना प्यारा वुडन सीढ़ी बनाई है, ऊपर भी एक बेड है, एक दो बेड ऊपर, एक बेड इधर, और मेरी यहाँ प्राइवेट इधर जहाँ पे थोड़ी सी प्राइवेसी है, मैं इधर आगे आराम से। तो काठमांडू एक्सप्लोर करने की शुरुआत हमने करी महादेव के धाम पशुपतिनाथ से। वेल फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर हमें, और यहाँ पे सामने अभी देख रहे हो बिल्कुल यहीं से मंदिर का रास्ता है। मंदिर के अंदर जो मेन टेंपल है उसके प्रेमिसेस में वीडियोग्राफी अलाउड है नहीं, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। बाकी यहाँ पे लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ है अच्छी खासी, एंड काफ़ी बड़ा टेंपल है यार। मतलब जो फोर्ट्स वगैरह नहीं होते जो जोधपुर उदयपुर, उस टाइप का फील आ रहा है यहाँ पे। कबूतर देखो कितने सारे यहाँ पे। पशुपतिनाथ भागमती रिवर के किनारे पे बसा हुआ मंदिर है, जहाँ पे महादेव पशुपति के रूप में विराजमान है। ये मंदिर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम, मंदिर और बहुत सारे घाट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जयपुर उदयपुर के बहुत सुंदर सुंदर ऊंचे ऊंचे फोर्ट्स आपको देखते हैं, उसी तरीके का आर्किटेक्चर यहाँ भी आपको दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा वुडन आर्किटेक्चर दिखेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी राजा महाराजा के महल की ओर जा रहे हैं। काफ़ी वुडन स्ट्रक्चर्स हैं पुराने पुराने। एंड ना, ये अगर मंदिर के बारे में बताऊँ आपको, तो ये मंदिर भी बिल्कुल वुडन का बना हुआ था, काफ़ी पुराना और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ये। बट क्या हुआ, धीरे धीरे करके टर्माइट की वजह से वो वुडन स्ट्रक्चर ख़राब हो गया, तो उसके बाद उसे सीमेंटेड अच्छे कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कवर करा गया था। बाकी देखो काफ़ी सुंदर है पीछे पूरा बैकग्राउंड मंदिर का। और यहाँ पे बात करें तो आधे तो नेपाली ज़्यादा हैं, ओबियसली इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे एज अ फॉरेनर टूरिस्ट इंडियंस, और अ लिटिल परसेंटेज ऑफ अदर फॉरेनर्स दूसरी कंट्रीज से जो लोग आए हैं, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑब्वियसली, और वैसे यार फील नहीं आ रहा सच बताऊँ, मतलब आई एम आउट ऑफ इंडिया लिटरली देखा जाए तो। बट ऐसा फील नहीं आ रहा क्योंकि मैंने हम उत्तराखंड में रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत परसेंटेज है नेपाली लोगों की। तो यार यहाँ पे चलते चलते, मतलब भाई ना शूटिंग के लिए पूछ रहा था, भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम शिवम है, मेरे चैनल का नाम पुलक प्रभात ब्लॉग है, और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ ऐसी तीर्थ स्थानों में जाके। प्रभात ने बताया कि वो 11 ज्योतिर्लिंग के निकला है। हाँ जी जी, बहुत बढ़िया यार, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि 11 ज्योतिर्लिंग एक साथ कवर करना ना बड़ी बात है, और वो भी अपनी दादी को लेके। जी बहुत बढ़िया, तो नाइस टू मीट यू, बहुत बढ़िया लगा मिलके। और अभी आगे कैसा लगा फिर मंदिर के बारे में बताओ, यहाँ पशुपतिनाथ मंदिर तो बहुत ही बढ़िया है, और यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है, और हमें आके तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम अपनी दादी के साथ आए हैं, दादी और दादा के साथ, तो ये हमारे साथ चैलेंज था हमारे लिए। एक डेढ़ महीने का टूर है हमारा, तो हम लोग निकले हैं अब दूसरा ज्योतिर्लिंग है, हमने बनारस में किया था पहला ज्योतिर्लिंग, अच्छा। और दूसरा पशुपतिनाथ जी का। अभी 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 9 ज्योतिर्लिंग बचे, तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारी वीडियो में। तो हमारी वीडियो भाई को सपोर्ट कीजिए, और हमारी वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है यहाँ पे जाके, क्योंकि एक तो आप महादेव के दर्शन करते हैं, साथ में ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत स्ट्रक्चर्स के बीच आपको जाके बहुत अच्छा लगता है, और इसी वजह से ये यूनेस्को के 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि काठमांडू में है उनमें से भी एक है। अब मैं तो यहाँ पे जाके काफ़ी खुश था, लेकिन कुछ लोग मुंह लटका के वहाँ से रोते हुए आ रहे थे, तो बाद में देखने पे पता चला कि यहाँ पे
बागमती रिवर के साइड पे घाटों में दाह संस्कार भी किया जाता है। तो भाई मंदिर से बाहर में आ गया हूँ और अब जो मेरी नेक्स्ट प्लान जगह है ना जाने की, वो है बोधनाथ स्तूपा। लेकिन जो अनप्लान है वो ये कि बोधनाथ स्तूपा है इस मंदिर से 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट, और ये डिस्टेंस पे कवर करूँगा पैदल। यहाँ की जो भी एरियाज पड़ेंगे उनको एक्सप्लोर करते हुए। अब इसके बाद हम लोग चले गए यहाँ के बोधनाथ स्तूपा, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ही दूर था। अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो जो पुराने जमाने में ट्रेड रूट हुआ करता था, चाइना, फिर तिब्बत, फिर नेपाल, और यहीं से लोग वेस्टर्न कंट्रीज की ओर ट्रेड किया करते थे, और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे टिबेटन कल्चर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो बहुत सारी स्तूपाज, मोनेस्ट्रीज और बहुत सारा तिब्बतन खाना पीना और कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन्हीं में से एक बोधनाथ स्तूपा यहाँ पे एक काफ़ी पॉपुलर रिलीजियस साइट है, जहाँ पर आपको हज़ारों तिब्बतन्स इस स्तूपा के चक्कर लगाते हुए पूजा पाठ करते हुए दिखेंगे। साथ ही तिब्बतन खाने पीने के और जैकेट्स और बाकी गुड्स की शॉप्स भी आपको आसपास बहुत सारी दिखेंगी। फूड तो होता ही बढ़िया है, तो मैंने भी सोचा यहाँ पे थुक्पा ट्राई करते हैं। और सच बताऊँ वो थुक्पा काफ़ी अलग तरीके से बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी लग रहा था। अब इतना चल चल के थोड़ा रिफ्रेश होने का भी मूड था, तो मैंने छाछ जैसे दिखने वाली यहाँ की एक ड्रिंक ऑर्डर करी, जिसकी एक तो घूट मार के रिफ्रेशमेंट तो हुआ, बट बाद में पता चला कि वो छाछ नहीं, छांग है, और छांग एक लोकल तिब्बतन बियर है। बात करते हैं कि नेपाल में कम्यूट कैसे करें। अब यहाँ पे आप घूम ही रहे हैं तो इधर उधर जाएंगे कैसे, क्योंकि इंडिया की तरह यहाँ पे ऑटो रिक्शाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे शेयरिंग बसेज आपको दिख जाएंगी, बट वो ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं रेंटल टैक्सीज या फिर बाइक्स की, एंड एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे मोटरसाइकिल्स एंड बाइक्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी। साथ ही काठमांडू का ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। अपनी अट्रैक्टिव वर्दी को पहने हुए नेपाल पुलिस हर एक चौराहे पे खड़े होके ट्रैफिक को काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें काठमांडू में, तो यार यहाँ पे ना ऑटो वगैरह नहीं चलते हैं, ऑटो वगैरह कुछ नहीं दिख रहे मुझे, बट ऐसी कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमारे वहाँ रैपिडो ओला चलती है, तो वैसे यहाँ पे सबसे बढ़िया, तो अगर आप सोलो तब तो और बढ़िया, ये जो बाइक्स हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये देखने को मिल जाती हैं। ऐप का नाम 2-3 ऐप है, जैसे पठाओ ऐप करके है जो, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, उससे बहुत आसान हो जा रहा है इधर जाना। और उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर वही दिखेंगी, ये या तो बाइक्स बिना ऐप के भी बुक कर सकते हो जगह जगह, जैसे टैक्सी रुकती है कुछ भी होता है बाइक्स वाले दिख जाते हैं, और उसके अलावा टैक्सी। अब शाम के समय मैं चले गया यहाँ के काठमांडू दरबार स्क्वायर में। अब नाम से पता चल रहा होगा दरबार, जो कि पुराने टाइम में राजा का दरबार हुआ करता था। अब राजा के दरबार के आसपास बहुत सारे चौराहे, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स और काफ़ी सारे मंदिर वगैरह जिस जहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे दरबार स्क्वायर उसका नाम होता है। और यहाँ पे दिखता है नेपाल का असली खूबसूरत वुडन आर्किटेक्चर, और उससे ही समझ में आएगा आपको कि आखिर नेपाल में क्यों इतनी सारी बिल्डिंग्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। अब भीड़ के साथ यहाँ पे घूमते हुए मैं जा पहुँचा एक बिल्डिंग के अंदर। अब जहाँ पे पता है मुझे क्या पता चलता है कि अब हमें होने वाले हैं यहाँ पे नेपाल में जिंदा दैवीय शक्ति के दर्शन। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुमारी की, जिन्हें नेपाल में एक जिंदा देवी का दर्जा दिया जाता है। तो कुमारी या फिर लिविंग गॉडेस जिनको कहा जाता है,
उसके लिए किसी लड़की को बड़े ही खास तरीके से चुना जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनमें तलेजू या फिर देवी दुर्गा वास करती हैं। और यहाँ पे देवी के दर्शन करके मुझे सच में काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ ऊपर से चढ़ के इस एक स्क्वायर, इसको कहते हैं यहाँ पे स्क्वायर, वैसे जहाँ तक मैंने सुना है ये छोटे छोटे टावर्स हैं इधर, और जो राजा थे उस टाइम तो उनका कुछ महल के द्वार वगैरह हुआ। अब देखो ये बिल्डिंग्स आपको ना यहाँ पे डैमेज दिख रही होंगी कुछ कुछ, क्योंकि जो आपने सुना होगा 2015 में यहाँ पे अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी थी और एपिसेंटर भी उसका काठमांडू के आसपास था। तो उसकी वजह से यहाँ पे ना बहुत सारी यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस की बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी, जिन्हें बाद में रिहेबिलिटेट किया गया, दोबारा से सही किया गया उन्हें, तो उनमें इसका भी नाम आता। एंड बाकी बहुत ही खूबसूरत है यार, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पे ना अभी इवनिंग है, जब तक यहाँ पे खुला रहता तब तक यहीं बैठता हूँ मैं, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। गजब, ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है यार, अभी मैंने न्यूज़ वेज पढ़ते थे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है लुक। अब इतना घूम के आपको भूख तो ज़रूर लग जानी है, तो चलिए अब चलते हैं कुछ खाने। वैसे नेपाल में आपको इंडिया की तरह ही नेपाली थाली देखने को मिलेगी, जिसमें रोटी नहीं बट चावल के साथ काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ, अलग अलग तरह की दाल जिसको झोल बोला जाता है, और सलाद के साथ काफ़ी अच्छी सी थाली आप ले सकते हैं। अब हम काठमांडू में हैं, तो काठमांडू के जो नेटिव लोग हुआ करते थे जिन्हें नेवाड़ी कहते थे, तो उनका खाना पीना भी तो ट्राई करना बनता है। This camera or light? No, it's not camera. It's my phone and this is the mic. Oh, okay. Only the mic for voice clarity. So, यहाँ पे हम लोग आ गए एक, you understand Hindi? Hindi, okay, okay. यहाँ पे आए हम एक छोटे से रेस्टोरेंट, क्योंकि जाते टाइम ना मैं ट्राई करना चाहता था यहाँ की लोकल नेवाड़ी कुजीन, एक चाट मारी, देयर इज़ अ डिश काइंड ऑफ स्नैक्स, सो वो ट्राई करने मैंने सोचा जाते टाइम आई शुड नॉट मिस दिस। तो एक बार मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अगेन द सेम प्लेस, काठमांडू दरबार स्क्वायर के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे एग एंड वेज चाट मारी। दिस इज चटामारी और चाट मारी? चटामारी, ओके, चटामारी इट इज। बाकी लेट्स ट्राई दिस, आई हैव हर्ड दैट इट इज काइंड ऑफ पिज्जा, इट्स लाइक पिज्जा है ना, राइस फ्रो, राइस, ओके, राइस फ्रो विद द बेस एज राइस, बेस इज राइस फ्रो, ओके ओके, थैंक यू। सो लेट्स ट्राई नेवाड़ी कुजीन, एंड कैन यू टेल मी प्लीज व्हाट आर अदर नेवाड़ी कुजीन? शिवामारी, ओके, शिवामारी एंड यहाँ पे मेन्यू इस तरह की देख सकते हो आप, यहाँ पे मतलब नेवाड़ी कुजीन ना जैसे खाजा सेट, अब इसमें क्या होता है देखो, इसको मैंने ट्राई तो नहीं किया बट बताता हूँ आपको। इन वेज खाजा सेट, देखो खाजा मीन्स दैट काइंड ऑफ फ्लैटन राइस, और फ्लैटन राइस राइट, हाँ फ्लैटन राइस, और उसके साथ मतलब चार पांच टाइप की अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स, और ज़्यादातर नेपाल में क्या चलता है बफ, बफ मीन्स बफेलोज मीट यू कैन से, सो वाटर बफेलो, वाटर बफेलो इज द सेम दैट इज इन इंडिया, दैट इज द ब्लैक वन, ओके, सो वाटर बफेलो, हाँ यूजुअली यमराज, ओके यमराज इज बफेलो, तो इट्स लाइक सेम इन इंडिया है ना, इंडिया नेपाल, वी आर लाइक एक्चुअली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड ओनली, आई थिंक दिस प्लेस इज लाइक उत्तराखंड ऑल्सो है ना, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टेंपल्स, उत्तराखंड इज लाइक माउंटेनस प्लेस, इट्स लाइक द सेम, आई एम फीलिंग लाइक आई एम नॉट आउटसाइड इंडिया, एक्चुअली आई हैव सीन मेनी नेपाली पीपल ओवर देयर राइट, देयर वी गो अगेन, दिस इज ऑल नेवाड़ी कुजीन, दिस इज चटमारी, चटामारी, चटामारी, तो इसमें अलग अलग वेरिएंट। आई रिकमेंडेड यू योमरी, योमरी एक्चुअली आई ट्राइड इट यस्टरडे, आई विल कम इन द इवनिंग आल्सो, इट्स लाइक राइस डंपलिंग ना, ओके,
तो यहाँ पे मतलब मोमोज कह लो आप, मोमोज की जैसे राइस का कल मैंने दिखाया था, दैट इज़ योमारी। राइस की फिलिंग के अंदर देर इज़ स्वीट काइंड ऑफ थिंग जिसमें खोआ वगैरह होता है, उसके अलावा चटमरी एंड देर इज़ मोमोज ऑब्वियसली यू नो, उसके अलावा खाजा है। खाने के बाद अगर नेवाड़ी स्वीट डिश की बात की जाए तो वो है योमरी, जो कि नेवाड़ी लोग स्पेशल ओकेजन्स में बनाया करते थे, और ये एक राइस डम्पलिंग जैसा तो होता यहाँ है। पे यार हम लोग आ गए यहाँ पे योमरी ट्राई करने, और बस यहाँ पे भक्तपुर से बाहर निकल के मुझे एक जगह दिखी, यहाँ पे योमरी, हाँ योमरी लिखा हुआ था, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं यार। मैंने सुना हुआ है नेपाल में इट्स क्वाइट पॉपुलर, तो 80 रुपीज़ की ये स्वीट है, इट्स एक्चुअली स्वीट, और जिस तरीके से मोमोज बनते हैं ना तो वैसे ही ये बनता है, जैसे बाहर से चावल है ऊपर से इट्स नॉट मैदा, इट्स चावल और अंदर इसका खोया वगैरह जैसे बनती है मिठाई, उस तरीके से दही 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 भी जुजुताओ हाउ नेवारी नेवारी। आप भी नेवारी हुए वैसे? नेवारी हुए, नेवारी मतलब काठमांडू, काठमांडू में जो लोग लेते हैं नेवारी नेवारी। हम भी पहाड़ी हैं, मैं भी पहाड़ी, उत्तराखंड 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 उत्तराखंडी पड़ोसी पड़ोसी यही अच्छा है उधर भी, वो भी बढ़िया ऐसे ही है, पहाड़ पहाड़ जैसे यहाँ है वैसे ही उधर भी ऐसे ही है। तो यार यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको योमारी को, और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये तो मैं ट्राई करना बनता था, मेरी लिस्ट में था एक्चुअली काठमांडू आके, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ। अच्छी खोल के देख रहे तो अंदर मतलब जैसे बाहर से इडली होती है ना स्टीम करके चावल की, तो चावल की वैसे ही है टेक्सचर, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा स्टिकी उससे, और अंदर बढ़िया मलाई खोआ का बना हुआ है, तो इट्स क्वाइट स्वीट, मतलब ज़्यादा मीठा नहीं है पर अच्छा है। धन्यवाद, चलिए अच्छा मिल रहा आपसे मिलके, आपको हिंदी भी आती है आंटी को, और यहाँ पे हमने हाँ और यहाँ पे मुझे ट्राई किया है, क्या था वो नाम क्या था? धन्यवाद धन्यवाद। तो अब बात करते हैं काठमांडू में नाइट लाइफ की। तो अगर आपको काठमांडू में नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, देन थमेल इज़ द प्लेस टू गो। तो थमेल ही वो जगह है जहाँ पे आपको क्लब्स, स्पा, अलग अलग पब्स, बार्स वगैरह दिखेंगे, और ये काठमांडू में रात को सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। तो जैसे ही रात को अंधेरा होता है ना, यहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, साथ में पुलिस वाले जगह जगह तैनात हो जाते हैं। पर चलो कोई नहीं, पब्स बार्स ना ही सही, लेकिन यहाँ पे आप पैदल चल के रात को एंजॉय कर सकते हैं, चलते फिरते खाना पीना खा सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, कुछ रेस्टोरेंट्स में बात कर रहा था, आधे रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं ना जिसमें मतलब यहाँ पे ना बियर और अल्कोहलिक ड्रिंक्स पीना कोई मतलब इट्स नॉट अ बिग टाइप ऑफ थिंग, जैसे इंडिया में होता है ना कि रेस्टोरेंट के अंदर ज़्यादातर होता है कि दे आर नॉट अलाउड टू ड्रिंक, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे ज़्यादातर रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि आपको खाने के साथ साथ वहाँ पे शेल्फ में सजी हुई बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बियर ब्रांड्स और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की अलग अलग ब्रांड्स दिखेंगे, लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक्स होगी, नेपाली, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मस्त में चिल में लोग सारे। शॉपिंग की बात हो ही रही है तो फिर यहाँ पे खरीदेंगे क्या? अब काठमांडू में ना आपको बहुत सारे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स की शॉप दिख जाएंगी, ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स हैं, जैकेट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, साथ ही पश्मीना शॉल्स जिसे हम यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स के नाम से जाना जाते हैं, तो उसकी भी काफ़ी शॉप्स हैं, साथ ही तिब्बतन कल्चर तो है ही, तो तिब्बतन सिंगिंग बॉल्स भी यहाँ से लोग खरीदा करते हैं, जो कि मैंने भी खरीदा, और साथ ही नेवाड़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाले वुडन मास्क्स और अलग अलग डेकोरेटिव्स वुडन नक्काशियों के साथ, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं एज अ सुवेनियर। अब तीसरे दिन काठमांडू में मैंने विजिट किया भक्तापुर।
भक्तापुर काठमांडू से लगभग 13 किलोमीटर दूर एक बहुत ही प्राचीन नगर है। और अगर आपको नेपाल की असली संस्कृति, नेवाड़ी संस्कृति और आर्किटेक्चर अच्छे से एक्सपीरियंस करना है ना, तो आपको यहाँ तो जाना बनता ही है। तो बस पकड़ के सुबह सुबह हम लोग चल दिए यहाँ की ओर, जहाँ पे हमको लेना पड़ता है सबसे पहले एक एंट्री टिकट। यहाँ पे देखो सार्क कंट्री, नेबरिंग कंट्री होने का फ़ायदा हो जाता है थोड़ा, जो कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव सब के लिए 500, लेकिन अदर कंट्रीज के लिए 1800 नेपाली रुपी। यस यस, आई हैव अ चैनल, लिटिल चैनल, आई एम फ्रॉम इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ द चैनल। ओके, हिल टू हाइक, टू हाइक, यस यस यस। बाय द वे, यू आर फ्रॉम? Actually, I am the trekking and tour guide. Nice. Hope that you have a very good time here. Yeah. Very nice to meet you. I hope so. Yeah. Thank nice you, to meet you too. So, okay. Bye. Thank you so much. Have bye. A good day. Yeah. चारों तरफ ना बड़ा अच्छा वुडन कार्विंग्स, मतलब ऐसा लगता है मैं एक अलग दुनिया में एंटर कर गए हैं यहाँ पे। जो कि ये टिकट हमने लिया 500 फॉर इंडियंस, सही है, अच्छा है, और उसके साथ एक गाइड मिली है, इसको देखते गए बैठ के पहले क्या। तो यार यहाँ पे एक मैप जैसा दिया है बहुत डिटेल्ड, जिसमें मुझे समझना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है जहाँ के जगह जगह प्लेसेस के बारे में, इतना सारा कौन पड़ेगा यहाँ पे बैठ के। तो लेट्स प्लानिंग की चलते हैं, देखते रहते हैं क्या दिखता हम। सो आई थिंक कि ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए ना, अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड हो अबाउट हिस्ट्री, अबाउट प्लेसेस, तो यहाँ पे आप गाइड कर लो तो इट्स बेटर, है ना। नहीं, आई एम टेलिंग, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। So if you want for guide, I can give you good tour. No, it's okay. It's okay. Actually, I'm yeah. With the guide, you can see, got a lot of knowledge about my city. Good place. Achha, what are the charges? Can you tell, please? Charge is 1,000 rupees. 1,000. How big is this area? This area, you need the time for 1.5 hour. 1.5 hour. Okay. Thank you so much. चाहे आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और वीडियोस निकालनी हो, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर देखना हो, तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ भी हज़ारों लकड़ी की नक्काशी वाले सुंदर सुंदर मकान आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे, वैसे ही चौराहे जिसमें इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, मंदिर और खूबसूरत मकान आपको देखेंगे। और यहाँ की गलियों में आप एक्सप्लोर करते हुए खो से जाएंगे, क्योंकि यहाँ की पतली पतली ऐसी गलियाँ होती हैं जिसमें आपको लगेगा कि आप एक एज अ लोकल लाइट ही घूम रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, लोकल लोगों से मिलते हुए, आप अच्छे से इस जगह को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मतलब बोले तो सिटी के अंदर एक छोटी सी इम्पोर्टेंट कल्चरल सिटी है जिसका एंट्री टिकट है। फ्रेंड्स, ये थे काठमांडू के मेरे कुछ खास एक्सपीरियंस और कुछ पॉपुलर इम्पॉर्टेंट जगह है। इस लंबी वीडियो को कंबाइन करके बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैं आपको काठमांडू के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन दे सकूं। और शायद अगर आप काठमांडू विज़िट करना चाह रहे हैं तो ये आपके ट्रिप को काफ़ी हेल्पफुल भी बनाएगा। तो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगती है, पसंद आई है, तो इसे एक लाइक तो बनता है ना। और नीचे कमेंट्स में अपने व्यूज़ लिखना मत भूलना। और इन ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिनके साथ आप काठमांडू जाना चाहेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।